ये बटेर के अंडों मैंने लगाए हुए थे। आज इनका 16वां दिन है। आज जो है कुछ एग जो है हल्के हल्के हिल रहे हैं, और एक दो अंडे में थोड़ा सा क्रैक आया है। अभी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। आज रात से या फिर कल सुबह से इनकी हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी मेरे अंदाजे से, तो क्योंकि 17 दिन तो इनका लास्ट होता है। 17 दिन में इसकी जो हैचिंग स्टार्ट हो जाती है, कई बार 16वें दिन से भी हो जाती है। ठंड का टाइम है, हो सकता है 17 दिन कंप्लीट ले ले ये। आज ये 16वां दिन है। ये 82 एग लगाए थे मैंने। इसमें से फिर मैंने जब 7 डे के बाद मैंने कैंडलिंग करी थी, तो उसमें से अनफर्टाइल निकाल दिए थे। अनफर्टाइल एग निकाल कर फिर इसमें 65 एग रह गए थे। अब 65 एग में भी एक दो एग ऐसे थे जो डाउटेड थे थोड़े से, कि उनमें चूजा बन रहा है या नहीं बन रहा। फिर भी मतलब 65 मान के चलते हैं, देखते हैं हम इनमें से कितने चिक हैच होते हैं। अब तो आज 17वां दिन है, मेरे पटेर के चिक्स का हैच शुरू हो गया है। काफ़ी अंडों से चूजे निकल गए हैं, अभी देखे नहीं मैंने कितने निकले हैं कितने नहीं। अब इनको ब्रूडर में शिफ्ट करूंगा मैं, क्योंकि तो इस तरह पता नहीं लग रहा कि कितने चूजे निकले हैं कितने अंडों में से और कितने रह गए हैं। किसी अंडे में दिक्कत है, उसको हेल्प करनी है। ये सारे चिक जो मेरे हिसाब से 50 चिक निकलने चाहिए आज, तो मेरे फॉर सेल हैं। अगर किसी ने खरीदने हो तो मैं उसको दे सकता हूँ ये चिक। इसको आज अब मैं ब्रूडर में शिफ्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं अभी कितने चिक हैं। ये मेरा ब्रूडर रेडी हो गया। बुरादा वगैरह बिछा दिया इसमें मैंने, लकड़ी का बुरादा बिछा दिया। अब ये सारे चिक जो हैं ब्रूडर में शिफ्ट करने जा रहा हूँ मैं। अभी ठंड लग रही है, अभी ब्रूडर गर्म होएगा, इकट्ठे हो रहे हैं सारे। बटेर के चिक्स आज 2 दिन के हो गए हैं, सॉरी 1 दिन का हो गया है। ये 22 तारीख का हैच है इनका, 22 तारीख को हैच हुए थे सारे, एक्टिव है। 50 से ज़्यादा चिक निकले हैं, काउंट नहीं कर पाया मैं अभी। अभी ज़्यादा छेड़ा नहीं इनको, क्योंकि कमज़ोर होते हैं ना छोटे चूजे, तो इनका पानी ख़त्म हो रखा है। अभी पानी डालना है इनका मैंने, तो 65 एग में से 50 चूजे निकले हैं मेरे, 50, 52, 53 चूजे हैं ये। बाकी 7-8 एग जो हैं वो खराब हो गए हैं, कुछ चूजे निकल नहीं पाए। एक दो चूजों की तो मैंने हेल्प भी कर दी थी, वो ठीक है अभी एक्टिव है, निकल गए हैं। तो ये मेरा हैच सारा जो है
देखता हूँ मैं इसको सेल कर दूंगा, या तो फिर यहाँ आसपास की मार्केट मार्केट में सेल कर दूंगा, या किसी को ऑनलाइन सेल करूंगा। ये सारे चूजे देखो कितने एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, कैसे भागे फिर रहे हैं, जैसे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हो। और मेरा इंक्यूबेटर अब जो है वो फ्री हो गया, इसको मैंने साफ़ सूफ कर लिया था सारा, डिटॉल का पानी वगैरह मारा था इसके अंदर, मैंने सुखा लिया है सारा। और जो मुर्गी के एग थे और दो चार एग की मुझे उम्मीद थी शायद बचे हुए हैं बटेर के, वो मैंने इस इंक्यूबेटर में लगा दिए थे, इसमें ग्लास में से दिख नहीं रहे, ये लेफ्ट हैंड पे पड़े हैं। और ये मुर्गी के एग हैं, इनका मुर्गी के जो एग हैं इनका आज लॉकडाउन है, आज 18 दिन इनके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस इंक्यूबेटर में मैं जो है अब दोबारा से बटेर के एग लगाने जा रहा हूँ, इसमें मैं 100+ एग लगाऊंगा, 100 से ज़्यादा एग हैं जो मेरे।